अस्सलाम वालेकुम, रफी के जायके मैं आप सभी को खुशामदीद। तो आज बनाएंगे हम दम आलू। दम आलू एक्चुअली फेमस हुआ है ज्यादातर बनारस से। बनारस का हो, कलकत्ता का हो, या दुनिया के भारत के किसी भी कोने का हो, जो वहां पे बनाने का तरीका है और आलू टिक्की है, बहुत सारी वैरायटीज है उनके पास। तो इंशाल्लाह आज हम दम आलू बनाएंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम और भी बहुत सारे रेसिपी बताएंगे आपको आलू के। तो चलिए हम बनाते हुए दिखाते हैं आपको दम आलू कैसे बनाएंगे। तो हमने आलू एक मीडियम साइज के ले लिए, हमने छोटे बड़े हैं कुछ थोड़े बहुत, लेकिन वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। कोई कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत, यहाँ तो आलू पहली बात मिलना ही मुश्किल है, मिल गया तो हमने छांट लिया है। आलू को थोड़ा इस तरह हम छेद कर देंगे, तो ताकि जब हम फ्राई करें, क्योंकि हमें इसे बॉइल नहीं करना है, तो अच्छी तरह से ऑयल इसके अंदर जाए और फ्राई हो जाए। तो सारे आलू आपको यूं ही करके रख देना है, तो आपको फ्राई करने में भी अच्छा रहेगा और जब मसाले आप बनाएंगे तो पूरी तरह से मसाला इसके अंदर जाएगा। तो दोस्तों हो गया हमारा, ये ब्रेक कर दिया हमने और अब चलते हैं फ्राई करने। तो दोस्तों अब डाल देते हैं हम तेल के अंदर और इसे मीडियम तेल में स्लोली स्लोली आपको फ्राई करना, ताकि अंदर तक के पक जाए, और अगर ज्यादा फास्ट होगा तो फिर अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इसे अभी पहले हम हाफ डाउन करेंगे और फिर बाद में ग्रेवी बना के उसके बाद फुल डाउन करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वो जब तक हमारा पक रहा है आलू, तब तक हम दही का मसाला बना लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर थोड़े से हम मसाले ऐड कर देते हैं दही के अंदर। दही में मसाले क्या डालेंगे, थोड़े से हम डाल देते हैं 1 टीस्पून सौंठ और 1 टीस्पून हींग और 2 टेबल स्पून डाल देंगे हम सौंफ पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, और अब बढ़िया इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मिक्स और अब देख लेते हैं आलू। तो दोस्तों आलू हो गया है, इसको हम निकाल देते हैं, हाफ डाउन हो गया है और फिर हम मसाला बनाने के बाद आपको दिखाएंगे फुल डाउन। तो दोस्तों अब करते हैं बनाना हम, ये आ गया राई। वही तेल आपको ले लेना है, सरसों का तेल, क्योंकि हमने फ्राई भी उसी में किया है और हमें बनाना भी उसी में है, सरसों के तेल में। तो दोस्तों तेल जैसे आपका गर्म हो जाए पहले जीरा डाल दें, और ये थोड़ा बे लीफ आ गया तेज पत्ता, थोड़ा सा स्टार फूल डाल देते हैं, खुशबू आ जाएगा, ये थोड़ी सी इलायची और 2 बड़ी इलायची। जैसे आपका मसाले हो जाते हैं फटने लगे, तुरंत ही डाल दें ऑनियन। अब ऑनियन को आपको लाल स्टेज तक पका लेना है, जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। तो इस टाइम डाल देंगे हम कश्मीरी मिर्ची, स्पाइसी भी हो जाएगा और कलर भी आ जाएगा। तो ये आ गया दही, दही जब भी आप डालें स्लो फ्लेम पे डालें, वरना दही आपका फट जाएगा। तो अब इसे भी हम साफ कर देते हैं, थोड़ा सा धोके उसी के अंदर पानी डाल देते हैं और ये कर दिया मिक्स। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, इससे कलर हमारा और भी उठ के आ जाएगा। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा ये कस्तूरी मेथी, इसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया रहेगा। अब कर देते हैं मिक्स। तो कश्मीरी मिर्ची जो हम यूज करते हैं, एक्चुअली ये सारी कश्मीरी मिर्ची नहीं होती है, ये होती है बेड़ की मिर्ची। 99% आपको बेड़ की मिर्ची मिलेगा, कश्मीरी मिर्ची नहीं होता है, नाम उसका खाली रह गया है, मिर्ची नहीं रह गया। इसलिए क्योंकि कश्मीर में इतनी जगह ही नहीं बची है कि वो लोग मिर्ची का उत्पादन कर सके, ज्यादातर वहां जो कश्मीरी मिर्ची पैदा होती है वहीं पे खपित हो जाता है, बाहर आने को ही नहीं मिलता है। लेकिन बेड़गी करके कर्नाटक में जिला है, वहां पे बेड़ की मिर्ची उगाते हैं, वही मिर्ची को पीस के कश्मीरी मिर्ची के नाम पे बेचा जाता है। तो दोस्तों इससे हम फिर से फ्राई कर लेते हैं फुल फ्राई। अब इसे खूब करारी वाली फ्राई करनी है भाई। अब हमने हाफ डाउन जो किया है,
निकालने के बाद में भी कुछ समय तक के पकते रहता है। उसके बाद जब दोबारा पकाओगे तो होल के जरिए तेल अंदर तक जाता है और बढ़िया से पक जाता है, फिर कच्चा रहने का टेंशन नहीं रहता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, बड़ा देख के थोड़ा चेक करें कभी भी। आय हाय 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 गजब। तो आलू हमारा हो गया है और अब हम इसे निकाल देते हैं। गैस बंद किया और डायरेक्ट आलू हम डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। जो थोड़ा बहुत कसर होगा वो अब इसके अंदर देख लेगा। और गरम गरम डालने के बाद क्या होता है कि एक तो यहां पक रहा है, दूसरी फिर उसको ठंडा होने का चांस नहीं मिलता है, यहां पकना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया होता है, ग्रेवी अंदर तक खींच लेता है, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। तो अब इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद में डिसआउट कर देंगे। और दम आलू एक्चुअली जो दम किया जाता है, दम आलू का मतलब है कि जब हम बल्क में ज्यादा बनाते हैं तो बल्क का सिस्टम कैसा होता है कि तपेले में हंडी में बड़ा सा ज्यादा सा बनाते हैं, तो हम जब दम करने का मतलब ये होता है कि जितना अंगार नीचे जल रहा होता है ढक्कन मारने के बाद हम ढक्कन के ऊपर भी लकड़ा या कोयला कुछ भी जला के उसका अंगार डाल देते हैं, तो जितना नीचे से हीट होता है उससे ज्यादा वो ऊपर से हीट हो जाता है, तो उसको कहते हैं दम। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि वह हम आला काट का सिस्टम रहता है, एक आध पोर्शन दो पोर्शन बनता है, तो उसके लिए हम एनी टाइम दम नहीं कर सकते, लेकिन दम उसका नाम दिया गया है। तो ये हमारा कश्मीरी दम आलू बन के रेडी हो गया है और अब कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। और आप इससे भी थिकनेस कर सकते हो, लेकिन इतना थिक काफी है क्योंकि हम रेस्टोरेंट के अंदर होटल के अंदर बूफे लगता है तो उसमें ग्रेवी थोड़ी लोगों को चाहिए होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग पतला रखते हैं। तो दोस्तों डाल लेते हैं अब हम थोड़ी सी धनिया और इसमें जान पैदा कर देगा, ये थोड़ा मिक्स किया और सर्व किया। तो दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं, डिसआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों दम आलू हमारा बनके रेडी हो गया है और ये डाल दिया थोड़ा सा हमने धनिया। तो आप चलते हैं और आप ट्राई जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अल्लाह।